सब्जेक्ट सीआरएम यूनिट 4। सीआरएम इन न्यू एरा, कल आपने वाई सीआरएम पढ़ा था, ठीक है। और सीआरएम पढ़ा आपने, और क्या डिफरेंसेस बिटवीन है सीआरएम और ई सीआरएम में, ये पढ़ा। आज पढ़ लेते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ ई सीआरएम क्या है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ई सीआरएम जो है, यहाँ पे टोटल आपको 3 डिफरेंट लेवल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो है फाउंडेशनल सर्विसेज, ठीक है। अब फाउंडेशनल सर्विसेज क्या होता है तो ये जान लेते हैं। तो दिस सर्विसेज फोकस ऑन बेसिक सर्विसेज विच फोकस ऑन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वेबसाइट एंड वेब बेस्ड सर्विसेज। दिस इंक्लूड्स द मिनिमम नेसेसरी सर्विसेज सच एज वेबसाइट इफेक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस एज वेल एज ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो फाउंडेशनल सर्विसेज क्या होता है, जो आपका बेसिक सर्विस क्या करता है, इंक्लूड करता है वेबसाइट पे रिस्पॉन्स कैसे करना है। अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो कोई कुछ जानना चाहते हैं तो कैसे हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, ये आपका फाउंडेशनल सर्विसेज है। सेकेंड जो है वो है कस्टमर सेंटर्ड सर्विसेज, ठीक है। अब कस्टमर सेंटर्ड सर्विसेज क्या होता है, तो दिस सर्विसेज वर्क्स towards tracking of order, configuration of a product and customization of various products and personalization of services. Customer centered services क्या करता है, ऐसी services includes करता है जो कि आपको बताता है product के बारे में, आपको जो चीज़ आप ढूंढते हो, मतलब जो आपको चाहिए वही चीज़ specifically, वही चीज़ वो आपको क्या करता है, show करता है, ठीक है। तो ये customer centered services है। और लास्ट वाला लेवल देख लेते हैं जो कि है वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या होगा, ठीक है। तो दिस आर एक्स्ट्रा सर्विसेज विच आर इंक्लूडेड अलोंग विथ अबव टू सर्विसेज, मतलब कि फाउंडेशनल और कस्टमर सेंटर्ड सर्विसेज के साथ में ही एक्स्ट्रा में मिलता है। सो एज टू सस्टेन कस्टमर्स, दिस sets of services differentiate customers between the organization and bring about the competitiveness among them, ठीक है। तो ये value added services है जो कि आपको क्या करता है, foundational services और customer centered services दोनों के साथ में extra benefit आपको दिया जाता है। तो 3 level of ECRM है, foundational services, customer centered services और वैल्यू एडेड सर्विसेज। यही 3 टाइप की सर्विस दी जाती है ई सी आर एम में। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं द 3 वेज ऑफ अचीविंग सी आर एम क्या है। तो फर्स्ट क्या है, पीपल, सेकेंड है प्रोसेस और थर्ड है टेक्नोलॉजी। पीपल मतलब कस्टमर, टेक्नोलॉजी मतलब वेबसाइट, और प्रोसेस मतलब कस्टमर से लेकर वेबसाइट तक का क्या कैसे लिंक है वो, ठीक है। तो ई सी आर एम में यही 3 चीज़ चाहिए, कस्टमर चाहिए, वेबसाइट चाहिए, और हमको उसका लिंक होना चाहिए, मतलब डेटाबेस होना चाहिए, जो एक्सेस मिलना चाहिए कस्टमर से हम वेबसाइट को और वेबसाइट से कस्टमर को। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं गोल्स ऑफ ई सी आर एम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट गोल ऑफ ई सी आर एम क्या है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। ई सी आर एम में क्या होता है, प्राइस जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, तभी जो हमारे पास कस्टमर्स हैं वो क्या रहेंगे, रुके रहेंगे सर। उसके बाद हमको टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे ना, जब हम सही चीज़ें उनको टाइम पे देंगे, उनको सही सर्विस देंगे, मतलब जो वो ढूंढ रहे वही चीज़ अगर उनको हम बता के दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये ई सी आर एम क्या करता है, आपको हेल्प करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ओके। नेक्स्ट है इंक्रीज। तो इंक्रीज किस में होगा, जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, कस्टमर रिस्पॉन्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, कस्टमर रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा नहीं। तो ये जो है ये क्या है, गोल ऑफ ई सी आर एम है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं की एप्लीकेशंस ऑफ ई सी आर एम क्या है। तो की एप्लीकेशंस में आपको पहले क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन एप्लीकेशन। ई सी आर एम क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक सोर्स है, जहाँ पे आपको कस्टमर के बारे में एक्यूरेट डेटा मिल जाता है,
ठीक है, कस्टमर के थ्रू ही मिल जाता है। और वही डेटा आपको क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट होने में, इंटरैक्ट होने में आपको हेल्प करता है। आपको मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर से अट्रैक्ट होने में हेल्प करता है। आप कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रख सकते हो, तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट रहेगा या कोई भी चीज़ें रहेंगी तो आप अपने कस्टमर को क्या कर सकते हो, डेटा के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो ई सी आर एम आपको उसी में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है कस्टमर एनालिसिस एप्लीकेशन। कस्टमर एनालिसिस एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया कि ई सी आर एम की वजह से आपको फीडबैक मिल जाता है, ठीक है, कितने कस्टमर्स हमारे सेटिस्फाइड है प्रोडक्ट से या सर्विसेज से, कितने नहीं हैं। तो एक आपको डेटा माइनिंग मिल जाता है, स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है, तो आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो या प्रेडिक्शन कर सकते हो आप कि हमको और अपना कंपनी में और क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, किस रीज़न की वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, क्वालिटी ख़राब है, क्वांटिटी ख़राब है, प्राइस कम है, ज़्यादा है, जो भी रीज़न है, ये आपको फीडबैक के ज़रिए क्या होता है पता चल जाता है। तो ECRM आपको हेल्प करता है एनालिसिस करने में। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है रियल टाइम डिसीजन एप्लीकेशन। रियल टाइम डिसीजन एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया कि आप कम्युनिकेट करने का एक आपको टाइम मिल गया है कंपनी को, एक टाइम मतलब 24 आवर्स आप अवेलेबल हो, कस्टमर कोई चीज़ पूछना चाहता है आप बता सकते हो। तो इससे क्या होगा कि कहीं पे भी कस्टमर रह के अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहता है तो हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो भी चीज़ें हम शेयर करना चाहते हैं कस्टमर कंपनी से, कंपनी कस्टमर से, वो शेयर इजीली हो जा रहा है ECRM की वजह से। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन। अगर कंपनी के पास डेटा रहेगा तो कंपनी क्या करेगा, अपने कस्टमर को कोई भी ऑफ़र या कुछ भी रहेगा तो वो उनको नोटिफाई करेगा, ठीक है, कि हाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, या आपको ये सर्विस मिल सकती है इस प्रोडक्ट पे, या जो भी चीज़ें होंगी कस्टमर को क्या हो सकता है आप नोटिफाई कर सकते हो। तो ECRM आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि बेनिफिट ऑफ ECRM क्या है, ठीक है। तो ECRM का बेनिफिट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है, रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर मतलब क्या हो गया कि जो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास अगर है, अगर वो आपकी सर्विसेज सेटिस्फाइड है तो आप उसको क्या कर सकते हो, अच्छी सर्विस दे सकते हो, तो वो ब्रांड स्विचिंग नहीं करेगा, मतलब आपका कंपनी छोड़ के या आपका प्रोडक्ट छोड़ के या आपकी सर्विसेज छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा। तो ECRM आपको उसी में हेल्प करता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है सेलिंग मोर टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। करेक्ट है, अगर आपके पास कस्टमर है तो आप उन्हीं को क्या करो, मेंटेन करके रखो, उनको जाने मत दो। अगर वो आपके पास रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करके देंगे, क्योंकि लॉयलिटी बनी रहेगी कंपनी में, आपके सर्विसेज से वो सेटिस्फाइड रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर अगर आपके पास, समझो 20 कस्टमर मेरे पास ऑलरेडी हैं, अगर मैं उस 20 को बना रखे देती हूँ तो कोई भी जब वो 20 जो हैं वो किसी और को बताएंगे कि हम इतने साल से इसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा होगा और कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। थर्ड जो बेनिफिट है वो है इंटरेक्शन लीड टू ट्रस्टेड रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिलेशन अच्छा रखते हो तो लॉयलिटी बनी हुई रहती है, जो कि आपको हेल्प करता है दूसरे कस्टमर्स को अपने बिजनेस में लाने में, ठीक है। तो यही बेनिफिट है ECRM का, जो कस्टमर्स को क्या करता है, जीतने का काम करता है, मतलब आपके पास बने रखने का काम करता है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है इंक्रीज एफिशिएंसी। ECRM आपका एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, आपका सर्विस लेवल क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, आपका मार्केट ग्रोथ होता है, इनकम ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो होगा ही। दूसरा फ़ायदा ये है ECRM का कि ये 24/7 जो है क्या रहता है, अवेलेबल होता है अपने कस्टमर्स के लिए, मतलब कभी भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने कस्टमर से पर्सनली अटैच हो सकते हो वेब मैसेजेस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो ये ECRM के क्या हैं, फ़ायदे हैं। थैंक यू।